Assalamualaikum, it's me Rabia and welcome to my channel. Guys, आज मैं आप लोगों के साथ हेयर लॉस से रिलेटेड कुछ सोल्यूशन या टिप्स शेयर करूँगी और साथ ही साथ एक नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट शेयर करूँगी. अगर आप इन टिप्स को या सोल्यूशन को फॉलो करोगे और डेली बेसिस पर इस नेचुरल ट्रीटमेंट को यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह वेरी सून आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी और आपका हेयर लॉस प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आपके बालों की सेहत अच्छी हो जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो एंड बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी करें. टिप नंबर वन ये है कि हमें रेगुलर बेसिस पे अपने बालों को वॉश आउट करना चाहिए विद माइल्ड शैम्पू, मतलब एक ऐसा शैम्पू हो जो कि पैराबेन सल्फेट फ्री होना चाहिए. और डेली बेसिस पे जब हम अपने बालों को वॉश आउट करते हैं ना तो हमारी स्कैल्प क्लीन होती है. इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, डैंड्रफ नहीं होती और इनकी वजह से जो ब्रेकेज होता है या हेयर लॉस होता है उसके चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं. प्लस हमारे बालों का इंप्रेशन बढ़ता है, हमारे बालों को एक अच्छा वॉल्यूम मिलता है. टिप नंबर टू ये है कि हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो इनरिच हो विद प्रोटीन, मतलब हम लीन मीट ले सकते हैं, फिश, सोए, दूध, दही, मक्खन, एग, जो चीज़ें जिन चीज़ों में प्रोटीन होता है हमें उन चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए तो हमारे बालों की हेल्थ बढ़ती है. टिप नंबर थ्री ये है कि हमें वाइटमिन्स का इंटेक करना चाहिए, मतलब वाइटमिन सिर्फ हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते बल्कि हमारे हेयर लॉस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं. जैसे वाइटमिन ए है, ई है, बी है. वाइटमिन ई क्या करता है कि हमारे स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मेंटेन रखता है. वाइटमिन बी क्या करता है कि हमारे जो हेल्दी कलर होते हैं उसको मेंटेन रखता है, बालों का जो हेल्दी कलर होता है उसको मेंटेन रखता है. फिर विटामिन ए जो है हेल्दी प्रोडक्शन जो सी बम की होती है ये उसको इनकरेज करता है. नंबर फोर ये है कि आप किसी भी एसेंशियल ऑयल के साथ अपने स्कैल्प के ऊपर मसाज करो, मतलब अगर आपके पास ऑलमंड ऑयल है, सेसमी ऑयल है या फिर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल है, आप उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल के ऐड करो और दो मिनट तक आप अपनी स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज करो. इससे क्या होता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो एक्टिव रहते हैं. टिप नंबर फाइव ये है कि कभी भी गीले बालों में आप ब्रशिंग मत करो, मतलब आपके जो गीले बाल होते हैं ना वो उस टाइम वीकेस्ट स्टेट पर होते हैं और उसी टाइम आपके हेयर फॉल का चांसेस ज़्यादा होता है, मतलब आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं अगर आप गीले बालों में कंघी करते हैं. अगर आपने करनी है ना गीले बालों में कंघी या ब्रश करना है तो आप ऐसा करो कि आप कोई भी वाइड टूथ वाला जो ब्रश होता है, मतलब बड़े दंदों वाला जो ब्रश होता है ये कॉम होता है, आप वो लो, उससे ब्रशिंग करो. अदरवाइज़ आप अपनी उंगलियों के साथ अपने बालों के टेंगल्स को सुलझा सकते हो, मतलब उन्हें डिटेंगल कर सकते हो. टिप नंबर सिक्स ये है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, मतलब हमारे जो हेयर शेफ्ट हैं वो 1/4 पानी के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. सो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को हाइड्रेट रखें, हम डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो. इट मींस कि हम 8 से 12 ग्लास डेली बेसिस पर पानी ज़रूर पिएं. नंबर सेवन, हर तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस और स्मोकिंग से अवॉइड करें क्योंकि इससे हमारे स्कैल्प में जो ब्लड फ्लो करता है उसकी अमाउंट कम हो जाती है और हमारे बालों की हेल्थ बुरी तरह से मुतासर होती है. टिप नंबर एट, आप अपने आप को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में लगाओ, मतलब आप वॉक, योगा, एक्सरसाइज, स्विमिंग या कोई भी आप गेम खेल सकते हो 30 मिनट्स तक. इस तरह से हमें हार्मोनल इंबैलेंस नहीं होता और हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है. टिप नंबर 9 के अपने आप को जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रखो क्योंकि ये मेडिकली भी प्रूवन है कि स्ट्रेस का और हेयर फॉल का आपस में बहुत बड़ा लिंक है. सो जिस कदर हो सके अपने आप को टेंशन फ्री रखने की कोशिश करें. नंबर 10 कि अपने बालों को कॉन्स्टेंटली हीटिंग और ड्राइंग मत करें, मतलब हम बालों को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं या बालों को ड्राई करने के लिए हम ड्रायर का यूज़ करते हैं तो बालों को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है. इससे क्या होता है हमारे बालों का जो प्रोटीन है वो कमज़ोर हो जाता है और हमारे बाल डैमेज की तरफ चले जाते हैं. मतलब ओकेजनली तो ठीक है कि आप कभी कभी अपने बालों को मतलब स्ट्रेट कर रहे हो या बालों को ड्राई कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर ये सब कुछ करोगे तो आप अपने बालों के खुद ही दुश्मन बन जाते हो. और मेरा लास्ट टिप ये है कि आप अपने बालों को जितना हो सके स्वेट फ्री रखें, मतलब मर्द हजरात जो हैं वो हेलमेट का यूज़ करते हैं, टोपी पहनते हैं अपने बालों में और औरतें जो हैं वो स्कार्फ का इस्तेमाल करती हैं जब, तो बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, वो पसीना जब जमा होकर हमारे पोर्स में चला जाता है तो हमारे बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और इससे हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, हमारे बालों में डैंड्रफ भी होती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है. सो जितना हो सके अपने बालों को स्वेट फ्री रखें.
थे कुछ यूज़फुल टिप्स या सॉल्यूशन फॉर हेयर फॉल. आप देखते हैं कि हमने किस तरह से अपने इस नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट को बनाना है और इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल जो हैं वो मजबूत होंगे, सेहतमंद होंगे, चमकदार होंगे, हमारे बालों की हेल्थ अच्छी होगी, बाल गिरना बंद हो जाएंगे. तो इसके लिए हम लेंगे अनियन यानी कि प्याज का पेस्ट, विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स, बीटरूट यानी कि चुकंदर का जूस, जिंजर यानी कि अदरक का जूस और ग्रीन टी. ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको आपके घर में इजीली मिल जाएंगी. मतलब आजकल जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, लॉकडाउन है तो बाहर से चीज़ें लेकर आना मुश्किल होता है, तो आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही आपको ये तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी. और इसके साथ इनके रिजल्ट्स भी ऑसम है. मतलब ये सब चीज़ें अपने अंदर एक अलग अफादियत रखती हैं. ये सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेंगी, आपके बालों को गिरने से ही नहीं बचाएंगी, बल्कि ये आपके जो बालों में डैंड्रफ होती है ना, ये इन तमाम चीज़ों में वो खूबियाँ हैं कि आपके बालों की डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी. सो ये आपके लिए बहुत ही ईजी और नेचुरल एक ट्रीटमेंट है जो आपको बनाना भी आसान होगा और लगाना भी आसान होगा. अब अगर अनियन की बात की जाए तो इसके अंदर हाई अमाउंट में सल्फर पाया जाता है जो कि बालों के ब्रेकेज को और थिनिंग हेयर को मिनिमाइज़ करता है. मतलब जो हमारे पतले बाल होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, और इसके अंदर जब एंटी ऑक्सीडेंट बूस्ट अप होता है ना तो हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है. फिर विटामिन ई ऑयल हमारे स्कैल्प की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ब्रेकेज को रोकता है, बालों की इलास्टिसिटी को, शाइन को बढ़ाता है, और जो हमारी पिस्की स्पिटेंट्स होते हैं ना ये उनको भी रिमूव करता है. उसके बाद जाती है ग्रीन टी. ग्रीन टी में सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ ही नहीं होती बल्कि ये हमारे हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करती है, बालों की रीजनरेशन को प्रमोट करती है, डैंड्रफ के अगेंस्ट फाइटिंग करती है. इसके अंदर जो कैफीन पाई जाती है ना वो गंजपन के अगेंस्ट फाइट करती है. मतलब कैफीन में जो है ना वो DHT नाम का एक हार्मोन होता है जो गंजपन का बहुत बड़ा काज है, उसको ये ब्लॉक कर देती है. अदरक के रस में बहुत ही असेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि पतले और गिरते हुए बालों के लिए बहुत अच्छा है. ये नेचुरली एंटीसेप्टिक होता है तो स्कैल्प के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को क्योर करता है. अगर आपके बाल ड्राई हैं तो जिंजर बहुत अच्छी रेमेडी है, प्लस बालों में शाइन ऐड करता है. फिर बीटरूट की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए है जो कि मैंने आपको पहले बताया कि बालों के लिए बहुत अच्छा है. कैल्शियम है, मिनरल्स हैं इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, बालों में शाइन ऐड करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करके आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है. पर मैंने अदरक, चुकंदर और प्याज को ग्रेटर यानी कि कद्दूकश की मदद से ग्रेट करके इनका एक्सट्रैक्ट मतलब इनका जूस ले लिया है और ग्रीन टी को बॉईल करके उसका कॉन्कॉक्शनल बनाया था. सो इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है, और अगर आप हो सके तो प्याज का भी रस निकालें. मतलब मैंने इसका पेस्ट इसमें ऐड किया है, आप इसके पेस्ट का एक्सट्रैक्ट यानी कि इसका जूस ले सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर होगा. इसको फिर आप अच्छी तरह से मिक्स करो, और इसको मिक्स करने के बाद आप किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको ट्रांसफ़र करोगे तो आपको लगाने में ज़्यादा आसानी होगी. अब इस ट्रीटमेंट को आप स्प्रे करो अपने हेयर स्कैल्प में, और 5-6 मिनट तक आप इसको अच्छी तरह से रब करो. मतलब बालों में आप इस एक्सट्रैक्ट का मसाज करो, बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए अपने बालों में लगा रहने दो. अदरवाइज़ 2-3 घंटे के लिए आप इसको ज़रूर लगा कर छोड़ो. एक हफ्ते तक आप इसको अगर मुसलसल इस्तेमाल करते हो तो आपको इसके ऑसम रिज़ल्ट्स मिलते हैं. मतलब नोटिसेबल रिज़ल्ट्स होंगे, आपकी हेयर ग्रोथ तो प्रमोट होगी, साथ में साथ आपके जो बाल गिरते हैं वो बंद हो जाएंगे, आपके बालों में शाइन आएगी, बाल मजबूत हो जाएंगे आपके. ठीक है, सो आप इसको जरूर इस्तेमाल करो. इसकी स्मेल थोड़ी बुरी है लेकिन बालों के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है. आज की वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर हिट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.